नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारे पास आई है 2018 का मॉडल वरना, और इसमें प्रॉब्लम बड़ा ही मज़ेदार है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं पहले आपको चाबी ऑन करके दिखाता हूँ, और ये मैंने कर ली गाड़ी स्टार्ट। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ABS का लाइट कंटिन्यू ऑन है, और प्लस इसका स्टेयरिंग का भी लाइट ऑन है। इसका स्टेयरिंग भी थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा नहीं कह सकता मैं, थोड़ा सा हार्ड है स्टेयरिंग, महसूस होता है कि हार्ड है। और वो हार्ड क्यों है वो हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं कि क्यों हार्ड है ये। तो चलिए मैं अभी आपको बाहर लेके चलता हूँ। तो इसके बाहर वाले फ्यूज़ बॉक्स में 40 एम्पेयर का 2 फ्यूज़ लगा होता है, और डब्बे के ऊपर मेंशन भी होता है ABS का 40 नंबर का 2 फ्यूज़ होगा। तो यहाँ पे लगा होता है अब 40 एम्पेयर का, ये दोनों आप चेक कर सकते हैं। अगर उड़ा होगा तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो फ़िलहाल मेरा फ्यूज़ ठीक है, और दोनों मैंने चेक कर लिया, फ्यूज़ तो ठीक है हमारा। और फॉल्ट मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, तो मैं आपको सीधा फॉल्ट की तरफ लेके चलता हूँ। फ्यूज़ मैंने चेक कर लिया था पहले ही, फ्यूज़ सही है इसका। तो चलिए मैं आपको फॉल्ट दिखाता हूँ पहले कि फॉल्ट आ कहाँ से रहा है। फॉल्ट हमारा इस टायर के अंदर से आ रहा है, राइट साइड की तरफ से। तो फॉल्ट इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसमें ABS का जो सेंसर लगा होता है, जो हब के ऊपर लगा होता है ABS सेंसर, उसका वायरिंग एक्चुअली कट चुका है टायर के साथ घिसने के कारण। तो मैं पहले आपको टायर खोल लेता हूँ, टायर खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि टायर मैंने इसका खोल दिया, और ये होता है ABS का सेंसर जो हब के ऊपर लगा होता है। और इसका आप वायरिंग देखें तो यहाँ से कट चुका है ये इस तरीके से, और यहाँ से कट गया और पीछे से भी कट गया है, मतलब इसके 3 टुकड़े हो गए वायरिंग के। इसके आप देख सकते हैं किस तरीके से कटा है ये। एक्चुअली टायर के साथ घिस घिस के एक टाइम आया कि ये टूट चुका है। अभी मैं इसको पूरा बाहर ही निकाल लिया हूँ कम्प्लीट, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है। और जो टूटा है इसका वायरिंग का वो भी मैं निकाल लिया हूँ, देख सकते हैं। अभी इसको मैं अच्छे तरीके से छील के अच्छे तरीके से लगाऊंगा, मैं जॉइंट करूंगा बहुत बढ़िया तरीके से, और जॉइंट करने के बाद मैं इसको लगाऊंगा, और इस लगाने के बाद देखूंगा कि क्या हमारा यही फॉल्ट है। अगर यही फॉल्ट होगा तो हम इसमें ABS सेंसर जो है इस साइड का नया डाल देंगे। अभी मैं पहले इसको इस अच्छे तरीके से छील वगैरह के टेप टूप करके फिर मैं अभी इसको लगाता हूँ। लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये लगता है और हमारा फॉल्ट होता है क्लियर होता है कि नहीं। तो इसके वायर मैंने दोनों सारे तरफ से छील लिया है, आप देख सकते हैं। इसमें एक्चुअली 2 ही वायर होता है, एक ब्लैक कलर का जो कि ग्राउंड आता है, और दूसरा कुछ येलो टाइप का होता है, उसमें हमारा जो सेंसर का सिग्नल है वो जाता है। तो मैं अभी सारे को अच्छे तरीके से जॉइंट कर दूंगा, जॉइंट करने के बाद टेप मारेंगे इसमें अच्छे तरीके से। और ये चीज़ का ध्यान रखना हमें कि टायर के साथ ये ना लगे, अगर टायर के साथ दोबारा लगेगा तो ये दोबारा से प्रॉब्लम आ जाएगा इसमें। तो मैं इसका भी अच्छे से ध्यान रखूँगा कि टायर के साथ ना लगे ये। तो मैं पहले अच्छे तरीके से टेप कर लेता हूँ, और फिर टेप करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये दिखेगा। और जब हम वायर को जॉइंट करेंगे तो आप चाहे बैटरी का तार उतार लें या फिर इग्निशन ऑफ रखें, अगर आपस में तार टच करेगा तो प्रॉब्लम और भी कोई आ सकता है। तो बैटरी का भी तार आप उतार सकते हैं, नहीं तो आप इग्निशन को ऑफ रखिए। तो अभी एक जॉइंट जो है हमारा लग गया है, अभी लगाएंगे दूसरा जो सेंसर वाला जॉइंट है। टुकड़े ही बहुत हो गए थे इसके, क्या करें, हम 3-3 टुकड़े हो गए थे। अभी आप देख सकते हैं ये लग गया है कुछ इस तरीके से। ये बस यही 2 वायर होता है, एक ब्लैक कलर का जो कि ग्राउंड है, और दूसरा जो येलो दिख रहा है आपको ये जाता है सिग्नल वायर ECM को। ये कुछ इस तरीके से होता है, देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको फाइनल टेप कर दूंगा, और उसके बाद लगा देंगे इसको हब में। अब फिर हम देखेंगे कि हमारा लाइट जो है जा रहा है कि नहीं, और स्टीयरिंग जो है हार्ड का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व ऑफ हो रहा है कि नहीं। तो पहले अभी मैं इसको लगाता हूँ। देख सकते हैं ये वायरिंग मैंने अच्छे तरीके से टेप करके लगा दी है कुछ इस तरीके से।
अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि ये वायरिंग कटा हुआ था, देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने जॉइंट किया है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि ये टायर के साथ ना लगे। तो अभी मैं टायर लगाने के बाद जो है मैं देखूंगा टायर घुमा के दोनों साइड से कि टायर के साथ तो नहीं लग रहा। तो कटे हो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये मैंने टायर बाहर की तरफ दूसरी काटा, तरफ हो। और इसका भी ध्यान रखना तार में खींच तो नहीं डला, अगर खींच छोटा हो जाएगा तार में खींच डलेगा तो ये टूटने के खोल चांसेस है। अभी आप देख सकते हैं तार और सेंसर और टायर के बीच में कितना गैप इतना रहना सीधी चाहिए, कर दो। और इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना ज़्यादा दूर रहेगा टायर के साथ उतना बढ़िया रहेगा। तो अभी मैं रूट टेस्ट पे हूँ और ट्राई ले रहा हूँ गाड़ी का, और सेंसर लगाने के बाद जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व ऑफ हो गया आप देख सकते हैं। तो मैं पहले आपको अभी गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि हमारा क्या रिजल्ट निकला है। तो इसका एबीएस का लाइट पहले कंटिन्यू आ रहा था, अभी अब देख सकते हैं स्टार्ट करने के साथ ही लाइट हमारा चला जा रहा है और स्टीयरिंग का लाइट भी जा रहा है। इसमें मैंने कोई स्कैनिंग नहीं की, कोई किसी तरीके का स्कैनर नहीं लगाया है इसमें, मैन्युअली मैंने फॉल्ट को ये डायग्नोस किया है। स्कैनिंग के ऊपर तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, पर मैनुअल आपको कुछ कुछ ही वीडियो मिलेगा, जो जैसे कि मेरी वीडियो आती है, मेरी वीडियो आप देखेंगे तो कोई भी स्कैनिंग के ऊपर नहीं होता है, मैं मैनुअली सारे फॉल्ट क्लियर करता हूँ। और स्टीयरिंग आप अभी देख सकते हैं कि स्टीयरिंग कितना ज़्यादा स्मूथनेस हो गया, नॉर्मल जिस तरीके का होता है स्टीयरिंग उस तरीके का ये हो गया है, तो देख सकते हैं आप। अभी गाड़ी को ट्राई लेके भी देखेंगे कि ट्राई में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसके बाद दोबारा मैं देखूंगा कि लाइट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा दूर ट्राई ले लेंगे ना, तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ अभी हमारा फॉल्ट जो क्लियर हो गया है। तो अभी मैं कुछ दूर का किलोमीटर का ट्राई लूँगा, उसके बाद फिर वर्कशॉप पे जाके इसको चेक करेंगे कि हमारा दोबारा से लाइट तो नहीं आया। लाइट तब आएगा जब हमारा सेंसर ख़राब हो या फ्यूज जुड़ा हो या फिर अपना वायरिंग वायरिंग कहीं से कटा हो। तो अभी मैं ट्राई ले लेता हूँ, उसके बाद वर्कशॉप जाके आपको दिखाता हूँ। वॉइस रिकॉर्डिंग करने में कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से मैंने वीडियो की वॉइस जो है वो बंद किया हुआ है। और तो अभी मैं वर्कशॉप पे आ गया हूँ और आप देख सकते हैं इसमें लाइट नहीं आ रहा अभी, इस टाइम मेरा गाड़ी स्टार्ट है, तो दोबारा मैं बंद करके दोबारा स्टार्ट करूँगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और लाइट जो है हमारा वो बिना स्कैनिंग से ही गया है, जैसे मैंने तार जोड़ा गाड़ी स्टार्ट किया लाइट चला गया ऑटोमेटिकली। तो इससे हमारा पता चलता है कि भाई गाड़ी में हमारा फॉल्ट नहीं है। आप देख सकते हैं लाइट कितना जल्दी जा रहा है जितना कि जाना चाहिए। तो कुल मिला के मेरा गाड़ी जो है कंप्लीट हो चुका है, और अभी मैं सेंसर बदल दूंगा तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं भी बदलूंगा तो भी चलेगा, पर मैं कहता हूँ सेंसर बदल।